सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पाना बहुत सारे युवाओं का सपना होता है। और जब हम बात करते हैं हमारे देश की लाइफलाइन इंडियन रेलवे को ज्वाइन करना, तो बहुत सारे युवा लोको पायलट के पद पर, ट्रेन ड्राइवर के पद पर अपने आप को देखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल शब्दों में जानेंगे कि 10वीं के बाद आप अपने इस सपने को कैसे पूरा करें और भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली इंडियन रेलवेज को एज एन असिस्टेंट लोको पायलट ALP किस तरीके से ज्वाइन करें, इसकी एग्जामिनेशन फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से आप भारतीय रेल का एक अभिन्न हिस्सा बन सकते हैं और अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले जान लें कि लोको पायलट का काम क्या होता है। जब आप लोको पायलट बनते हैं तो आपका काम होता है ट्रेन जो भी होती हैं, चाहे वो पैसेंजर हो, एक्सप्रेस ट्रेनें हो और तरह तरह की जो नई ट्रेनें आजकल इंडियन रेलवे में आ रही हैं, उनको चलाना ही आपका काम होता है। एक तरीके से आप ट्रेन के ड्राइवर कहे जाते हैं। ट्रेन ड्राइवर को ही रेलवे के अंदर लोको पायलट के सब नाम से जाना जाता है, जिसको कि RRB द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ALP एग्जाम के नाम से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। और यह एक ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट, बहुत ही सेफ और सिक्योर प्रोसेस के थ्रू आपको यहां पर इंडियन रेलवे के अंदर जॉब मिलती है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले जान लें, अगर आपने 10th पास विथ ITI के साथ आपने कुछ ट्रेड्स के अंदर किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री कोर्स इंजीनियरिंग में की है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपने 10th ITI आपने किया है तो आपके पास मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन सभी में आपने ITI किसी भी ट्रेड में आपने किया हो या फिर आपने इनमें डिप्लोमा और बैचलर डिग्री यानी इंजीनियरिंग की अगर आपने की है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे और यहां पर आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आप जर्नल, OBC और AWS कैटेगरी से आते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस 500 होगी, जो कि 400 आपके रिफंडेबल आपके CBT एग्जाम के बाद आपको कर दी जाएगी। और अगर SC ST और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 250 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस होगी, जो कि पूरी तरह से आपको रेलवे के द्वारा रिफंड कर दी जाएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न की हम बात करें तो यहाँ पर आप जान लें कि आपके पास 3 चरणों के तहत आप एग्जाम देते हैं। पहली स्टेज है CBT 1, दूसरी स्टेज है CBT 2, जिसमें आपकी ट्रेड से भी क्वेश्चन आएंगे, और तीसरी स्टेज है आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट, जहां पर आपको सिचुएशन दी जाएगी और आपसे क्विक रिस्पॉन्स की उम्मीद की जाएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने के बाद अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। अगर आपकी एज 18 से 30 साल, अगर आप जर्नल, OBC, जर्नल, EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपकी एज 18-30 साल होनी चाहिए। OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपको यहां पर देखने को मिलता है। बात करते हैं रिटेन एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे पहले जान लें जो आपका स्टेज 1 का CBT है, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। 60 मिनट इसकी ड्यूरेशन होगी। टोटल आपको 75 क्वेश्चंस करने होंगे, जिनके 1 मार्क आपको ईच क्वेश्चन के मिलेंगे। 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पर आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, जर्नल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज CBT की। स्टेज CBT 2 में आपके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने होंगे, 1/3 की निगेटिव मार्किंग। सब्जेक्ट्स की बात करें, मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये पेपर आपका जो होगा, यही पेपर फाइनल मेरिट में काउंट होगा, जो आपको आपकी जॉब तक ले जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट बी की। स्टेज CBT 2 में पार्ट बी में आपके ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। ट्रेड टेस्ट आपका होगा, जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस, 75 मार्क्स के 60 मिनट्स में आपको करना होगा और ये पेपर आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं किए जाएंगे और फिर आप जाएंगे CBT 3 की तरफ, यानी कि
आपके जो स्टेज 3 की तरफ, जो कि आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जिसमें आपको साइको टेस्ट लिया जाएगा आपसे, और इस साइको टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके सीबीटी स्टेज 2 में पार्ट ए के जो मार्क्स होंगे उसी आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और आपको आपके जोन के हिसाब से अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। इसके बाद बात करें अगले चरण की, तो अगला चरण आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपकी आई साइट, ईयर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें आपकी चेक की जाएंगी। कलर विजन अगर आपके अंदर नहीं होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और बहुत ही बेहतरीन जॉब आपको इंडियन रेलवेज में मिलेगी। आपको कुछ सालों तक असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर आप काम करेंगे, फिर एक्सपीरियंस के साथ आप अगली जो प्रमोशन पाएंगे वो लोको पायलट आप यहां पर बनने वाले हैं। बात करते हैं सैलरी की, तो यहां पर जो आपकी सैलरी होगी स्टार्टिंग, वो 30,000 से 32,000 रुपए आपकी सैलरी होने वाली है। और जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप रेलवे में सर्व करेंगे उस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने ईएलपी जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझाने का प्रयास किया। आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, अगर आपने 10वीं आईटीआई के साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग की डिग्री ली है तो आप भारतीय रेलवे का एक अभिन्न हिस्सा बन सकते हैं और ट्रेन ड्राइवर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपकी पूरी तरह सहायता कर पाया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।